उरी हमले के बाद सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। सेना ने एलओसी पर मौजूद आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति अपनाते हुए कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया। विदेश और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ रणबीर सिंह ने बताया है कि एलओसी पर लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठा हुए घुसपैठियों के खिलाफ गुरुवार रात सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने और दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। भारतीय डीजीएमओ ने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को इस बाबत सूचित कर दिया है। आर्मी ने पुख्ता सूचना के आधार पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। आतंकी भारत में घुसकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से एलओसी के नजदीक इकट्ठा हुए थे। डीजीएमओ रणबीर सिंह ने साफ किया है कि इंडियन आर्मी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और भारत का मकसद सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना था। डीजीएमओ ने कहा है कि पाक को जनवरी 2004 के अपने वादे पर कायम रहते हुए इसे पूरा करना चाहिए था। आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक में एक जगह आतंकी ठिकाने और आतंकियों को टारगेट किया जाता है और बिना किसी चेतावनी के हमला किया जाता है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार है। रक्षा विशेषज्ञ एहसास सिन्हा ने कहा है कि पहली बार भारत ने एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक किया है और उसके बाद बॉर्डर पर फायरिंग की घटनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लर ने भारतीय सेना को बधाई दी है और कहा है अपने सैनिकों की रक्षा करना भारत का हक है। सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कि कहा था वो जो क्या कहा था वो करके दिखाया। का प्लेस एंड टाइम ऑफ चूजिंग अपनी थी, वो हमने करके दी कर दी और सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत ज़रूरी था। और ये सर्जिकल स्ट्राइक वो स्ट्राइक है जैसे कि ओसामा बिन लादेन को स्ट्राइक करने में पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने किया था। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब था जैसे कि एक सर्जन किस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जहाँ सर्जरी करनी होती है उस प्रिसाइजली उस जगह को पे चीर फाड़ करके उसको ठीक करके निकल जाता है। इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में फौज जो आती है प्रिसाइजली उसी जगह पे अटैक करती है, उसी वेपन से अटैक करती है, उसी समय पे और मोस्ट इकोनॉमिक मेथड से करती है ताकि कम से कम समय में कम से कम खर्चे में काम हो जाए। इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। पाकिस्तान चौकन्ना हो गया है, पाकिस्तान सीख गया है और चौंक गया है कि ये वाकई में ही जो कह रहे थे उन्होंने करके दिखा दिया और इसके कारण वो अब वो जो कि है वो सक पाया ही नहीं है। अब वो फूक फूक के कदम उठाएगा। अगर वो कोई और हरकत करता है तो वो बड़े भारी रिस्क लेगा, क्योंकि हिंदुस्तान कहीं किसी भी लेवल पे लड़ने को तैयार है। तो पाकिस्तान को लिए को इस बात के लिए रेडी हो जाना चाहिए कि अगर वो सेक्टर के बाहर आर्मी के थ्रू किसी भी और जगह भी हमला करता है तो वो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि एलओसी के पार काफ़ी मात्रा में आतंकवादी इकट्ठे हुए हैं और वो भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी में है। इसी को लेकर के भारतीय सेना ने सर्जिकल ऑपरेशन किया आज रात को और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। कैजुअल्टी के बारे में, जो पाकिस्तान की कैजुअल्टी हुई है उसके बारे में अभी एग्जैक्ट खबर बाद में आएगी,
हमारे जवान सुरक्षित आ गए। और ये इन्फॉर्मेशन पहली दफ़े पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी दे दी है कि भारत ने सर्जिकल ऑपरेशन किया है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। तो ये जो है इसके वजह से अभी क्या हो सकता है कि बॉर्डर के ऊपर शायद फायरिंग बढ़े दोनों देशों के बीच में, उसके लिए भारत अच्छी तरह से तैयार है। और ये इसलिए किया कि भारत की सहनशीलता ख़त्म हो गई थी इतने सालों से, जो अटैक आतंकवादियों के भारत की सीमा में घुसकर हो रहे थे उसका ये जवाब है। और अपना जो सहनशीलता जैसे मैंने कहा भारत ने खो दी थी, उसी का ये रिजल्ट है। और पाकिस्तान की सरकार को अब समझने की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि अगर कोई हमला करता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का भारत को पूरा हक है। वहीं बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा है कि उरी के कायराना हरकत का जवाब देना जरूरी था और ये सेना का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के उन 5 टेररिस्ट जो पैड थे, जो भारत में घुसने के फिराक में थे, उनको घुसकर पूरी तरह तहस नहस किया है। और ये आत्मरक्षा में हमें ये पूरा अधिकार था। उड़ी में जिस प्रकार से कायराना उसने जो है हरकत की उसका जवाब जरूरी था। और हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि समय के अनुसार जो है हम अपना जवाब देंगे। और जिस तरीके से आर्मी की तरफ से ये सूचना आई है जो कि इस प्रकार से जो है ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी डैमेज उनको मिला है, तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य है। और इसने पूरे भारत वर्ष में एक बड़ा जो है एक जोश भरा है, मोराल अप हुआ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारी आर्मी का, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सब की बात है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा है कि भारतीय सेना ने जो भी फैसला लिया है पूरा देश उनके साथ है। उनके मुताबिक हमारे शहीदों की शहादत को लेकर सेना ने अगर कोई फैसला लिया है तो हम उसमें सियासत नहीं करेंगे और देश की अस्मिता के तहत देखेंगे। देखिए इस वक्त सिचुएशन है, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है 4 बजे, मेरे ख्याल से उस पर बहुत जल्दबाजी करके टिप्पणी करना ये सही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर और जो आर्मी की जो एक रिपोर्टिंग आ रही है, ब्रीफिंग आ रही है, हमारे पास में इस वक्त वही कहने को और वही सुनने को है और वही देख रहे हैं। तो इसमें हिंदुस्तानी फौजें अगर कोई फैसला करती हैं तो पूरा देश उनके पीछे है। इसके लिए हम ये कहें कि साहब कि उन्होंने सही किया गलत किया वो बहुत, उस पर हमारा कोई पॉलिटिकली हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ग्राउंड पर वो हैं, फील्ड पर वो हैं, आमने सामने वो देख रहे हैं उन सिचुएशंस को। और हमारे जो है फौजी जो हमारे शहीद हो रहे हैं तो उनकी शहादत को देखकर जो अगर कोई फैसला किया है तो उस फैसले को हम किसी भी तरह से पॉलिटिकली नहीं देखेंगे बल्कि देश की अस्मिता को लेकर देखेंगे। भारत ने कल LOC के पार आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान की सेना जहां भारतीय हमले को नकार रही है वहीं सर्जिकल स्ट्राइक पर पाक की सेना और नवाज शरीफ के बयान में अंतर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हम इस हमले की निंदा करते हैं, शांति की हमारी इच्छा को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मामले में ताजा जानकारी यह है कि इस मामले में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को तलब किया गया है और पाक राष्ट्रपति ने भी हमले की निंदा की है। भारत ने इस हमले में 5 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मानहानि से जुड़े केस में असम की अदालत में पेश हुए। कामरूप जिले की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने राहुल गांधी RSS से जुड़े मानहानि के मामले में पेश हुए। पेशी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई RSS की विचारधारा से है और उन्हें केस मुकदमे से फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2015 को यह आरोप लगाया था कि उन्हें RSS के सदस्यों ने बारपेटा सत्र नाम के वैष्णव मठ में एंट्री करने के नहीं दी थी। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। केस दर्ज करने वाले का कहना है कि RSS बारपेटा सत्र मठ का संचालन नहीं करता, लिहाजा भला वो कैसे राहुल को रोक सकता है।
बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश की जनता ही कांग्रेस को रोक रही है और ऐसी बयानबाजी कर रही है, वो अपना ही नुकसान करेंगे। ऐसे उनको कौन रोक रहा है? राहुल गांधी जी को देश की जनता उनको और उनकी पार्टी को रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक रही है, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी परवाह करने को तैयार है। देश की जनता ही उनको 44 सीट पर, न्यूनतम सीट पर ले आई है और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश से प्यार करने वाला संगठन है, तो अगली बार 4 सीट भी नहीं आने वाली। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जितने भी देश के राष्ट्रवादी संगठन हैं उन पर हमला बोलो और जो देश के विरोध में काम करने वाले लोग हैं उनकी प्रशंसा करो। ये जो कांग्रेस की आदत बन गई है इसका खमियाजा राहुल गांधी जी के बयानों से भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। दिल्ली में आईएएस अफसर बीके बंसल और उनके बेटे योगेश कुमार के चौंका देने वाले सुसाइड नोट सामने आए हैं। दोनों ने सीबीआई पर परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। योगेश ने सुसाइड नोट में 4 सीबीआई अफसरों के नामों का भी जिक्र किया है। अब सीबीआई आरोपी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में कल शाम को आग लग गई थी, जिसके बाद वहां करीब 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची थी। 3 मंजिला इस फैक्ट्री में 6 लोग फंसे हुए थे और उनको बचाने के दौरान 2 दमकल कर्मी भी फंस गए थे। आग से इमारत कमजोर हो गई और उनकी ऊपरी मंजिल ढह गई, जिसमें ये दोनों दमकल कर्मियों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों पर एक बार फिर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा है। 24 सितंबर को सुरक्षा बलों ने गुरगुम के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों सेनकू और बिजलू के मारे जाने का दावा किया था। साथ ही उसने हथियार बरामद होने का दावा भी किया था, लेकिन मारे गए दोनों लोगों के परिवार के लोगों और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन घर से ले जाकर गोली मारी। वो दोनों नक्सली नहीं थे। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग लौंडीगुरा थाना क्षेत्र के सोंगेल गांव में अपने रिश्तेदार के घर आए थे और देर होने की वजह से वहीं रुक गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक रात में सर्चिंग पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी उन्हें जबरन अपने साथ ले गई और कुछ देर ले जाकर उन्हें गोली मार दी। यही नहीं, विरोध करने पर रिश्तेदार से मारपीट के आरोप भी लगाए गए हैं। बाहर जाओ उनको नौकरी नहीं मिलो तो बैठा के नुकसान करूँ दिला नहीं सर। इन लोग तो कबूर भेजे हैं सोंगेल में, इन लोग तो सामान तो नहीं लिए, हथियार तो नहीं लिए, हथियार नहीं था इनके पास, नहीं लिए तो बर्दर तो नहीं होना। ऐसे बार शर्ट लिए थे, कपड़ा लिए थे और छाता लिए 2 और एक टंगिया लिए थे पकड़। तो वर्दी आया कहाँ से, हथियार आया कहाँ से? कहाँ साइकिल पता नहीं सर, वो बंदूक कहाँ से आया और बैग कहाँ से और वायर कहाँ डब्बा कहाँ से, लेकिन इन लोग तो समझ नहीं लिए हैं। इन लोग तो उधर समझ बताने के लिए गए थे। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में तंत्र मन से इलाज का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि ऐसी ही तस्वीरें यहां के जिला अस्पताल से भी सामने आई है। दरअसल हिन्नौत गांव के चंद्रकांत विश्वकर्मा को खेत में काम के दौरान सांप ने काट लिया। घर वाले इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में इलाज भी शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच अंधविश्वास में डूबे परिवार के लोगों ने एक तांत्रिक को भी बुला लिया और तांत्रिक ने जिला अस्पताल परिसर में ही शुरू कर दी तंत्र मंत्र की नौटंकी। जाहिर है पूरा मामला एक तरह से अंधविश्वास का है और ऊपर से हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जिला अस्पताल परिसर में हुआ। ऐसे में सवालों में अस्पताल प्रबंधन भी है, लिहाजा प्रबंधन की ओर से जांच और कार्रवाई की बात हो रही है। मैं दिखवाता हूं, मेरी जानकारी में अब भी आया है, अगर ऐसा है तो मैं कार्रवाई करूंगा।
था। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक शख्स ने जाति धर्म से ऊपर उठकर दोस्ती की मिसाल पेश की है। एक मुस्लिम दोस्त ने पितृपक्ष में अपने हिंदू दोस्त का तर्पण और श्राद्ध किया। वाजिद और मुकेश की दोस्ती 25 साल पुरानी थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। एक साल पहले मुकेश को ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। दोस्त की अचानक हुई मौत से वाजिद सदमे में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत कर दोस्त का हिंदू रीति रिवाज से सारा अंतिम संस्कार किया और एक साल बीत जाने के बाद पितृपक्ष में वाजिद ने पूरे विधि विधान के साथ अपने दोस्त का तर्पण और श्राद्ध भी किया। हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे इनके घर पर, इनके बड़े भाई मुझे थॉमस पढ़ाते थे और धीरे धीरे फिर हमारे फैमिली रिलेशन हो गए। इनके बड़े भाई मुझे उनकी छोटे भाई से हमारे कुछ करवाओ फिर हम लोगों ने मिलकर स्टूडियो खोला था। ऐसा लगा कि साथ जो है पितर पर चल रहा है तो उनके साथ कर दिया जाए और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था जो मुझसे वो मैंने कर लिया। राजस्थान के भरतपुर जिले में कुम्हेर में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर जानलेवा हमले की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। यहां एक सरपंच के बेटे ने जमकर गुंडागर्दी की। दरअसल यहां कुछ लोग नगर पालिका पहुंचे और मौके पर मौजूद जेई और दूसरे कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने जेई से जमकर हाथापाई की और मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी गई। गुंडों ने देसी कट्टा निकालकर जान लेवा हमले की भी कोशिश की। इस दौरान जेई और अन्य स्टाफ ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस पूरी घटना से नगर पालिका स्टाफ में दहशत फैल गई है। हमलावर कुम्हेर तहसील की पैघोर पंचायत के सरपंच का बेटा नैम सिंह है, जिसने सरकारी ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों से ना सिर्फ मारपीट की बल्कि जानलेवा हमले की कोशिश भी की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मुंबई से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक शख्स अपनी 80 साल की मां को बुरी तरह पीट रहा है, फर्श पर घसीट रहा है। मां पर बेटे के जुल्म का ये वीडियो किसी की भी आंखों में आंसू ला सकता है। 80 साल की मां को बांधकर सुरेंद्र नाम का शख्स अपनी पत्नी और बेटी से चाकू मांगता है और मां से कहता है कि वो उसे काटेगा तो दर्द नहीं होगा। बेटे की हैवानियत देखकर मां रो रही है और बेटे से छोड़ने को कह रही है। इस दौरान उसकी पत्नी और बेटी पूरी घटना का वीडियो भी बना रहे हैं। इस मजबूर मां के साथ ये जुल्म पिछले 3 साल से चल रहा है, लेकिन अब ये वीडियो पुलिस को मिला है तो बेटे सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं बहू और पोती को भी गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ से जशपुर से जहां पुल की मांग को लेकर 2 दिनों से ग्रामीण जल सत्याग्रह पर है। बगीचा विकास खंड के रिहायशी इलाके से होकर डोई की नदी गुजरती है और नदी पर पुल नहीं है। इस वजह से बारिश के दिनों का काफी दिक्कत होती है इन दिनों में और अब गांव पर हमेशा बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। ग्रामीण पिछले 10 सालों से पुल की मांग कर रहे हैं। वहीं इस गांव के बच्चों ने पीएम से मदद की गुहार लगाई है। यूपी के सहारनपुर में चल रहे गुघाल मेले में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। गुघाल मेले में हुए हादसे में एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई और जबकि 4 लोग झुलस गए। मेले के दौरान करंट फैलने की खबर के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। हर साल नगर निगम गुघाल मेले का आयोजन करता है। यूपी के एटा से एक क्रूर पति की हैवानियत सामने आई है। 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी पैदा होने से नाराज एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना करने के बाद से आरोपी हरिश्चंद नाम का शख्स फरार है। हरिश्चंद की शादी प्रीति नाम की लड़की से हुई थी और दोनों को 2 बेटियां पहले से ही थी। जब तीसरी बेटी हुई तो हरिश्चंद खफा हो गया और अपनी पत्नी की जमकर पिटाई की। प्रीति के पिता उसे अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान प्रीति की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का नगर निगम एक बार फिर सवालों में है। भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर निगम के अफसर पर सवाल उठे हैं। इस बार आरोप लगा है कि किसी जिस कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है उसी कंपनी से
37 लाख रुपए का सामान खरीदा गया। करप्शन में फंसी कंपनी ने स्ट्रीट लाइट का सामान खरीदा गया और निगम की जांच कमेटी ने इसकी पुष्टि की है। जांच कमेटी के चेयरमैन ने रिपोर्ट सौंपी है। गाजियाबाद नगर निगम के अफसरों पर पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। इससे पहले ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार ने इंजीनियर को गिफ्ट में कार दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और अपनी मर्जी से इस्तीफा देने में कोई फर्क नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि 25 साल की सेवा के बाद कोई भी शख्स पेंशन पाने का हकदार है। टीचर रामकिशोर शुक्ला की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। रामकिशोर शुक्ला ने 30 साल तक काम करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूरे सूबे में डेंगू के मरीजों की तादाद 1000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इतना ही नहीं, सरकारी डॉक्टरों की वीआईपी ड्यूटी के चलते डेंगू से प्रभावित जनता की परेशानी अब और भी बढ़ गई है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था के खस्ता हाल पर सरकारी तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं।